हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट द परिवार। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई मैंने अब बना करके तैयार किया है फ्रेंड्स। इसे बनाने का मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बल्कि ये सोच रही थी कि मैं मार्केट से ख़रीद के लाऊं इस तरह का प्लांटर, लेकिन मैं नहीं ला पाई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ, तो मैंने ये प्लांटर बना करके तैयार किया है फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है मेरा प्लांटर, और इसके अंदर प्लांट भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से, और आप सबका मन भी इसे देख के जो है कर रहा होगा कि हम भी बना करके अपने बगीचे में लगा लें। तो इस तरह के प्लांटर हम बना करके लगा लेते हैं फ्रेंड्स, और ये भी सब सारे वेस्ट मटेरियल से। तो कितना सुंदर लगा ये बनने के बाद, तो मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आपको लेनी है बोतल, और एक लेना है फ्रेंड्स, आपके पास कोई प्लास्टिक की बाल्टी का ढक्कन पड़ा होगा तो आप वो ढक्कन ले सकते हैं, इस तरह की कोई प्लेट पड़ी हो तो प्लेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बोतल के आप रैपर निकाल लीजिए, और जितना बड़ा आपका ढक्कन है उसी के हिसाब से आपको बोतल लेनी है। तो ये देखिए, सभी मैंने जो है बीच का ये साइज़ है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, तो इस साइज़ की ये बोतल मैंने ली है कोल्ड ड्रिंक की, जो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने आज सोचा कि चलो एक प्लांटर बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा प्लांटर बन के तैयार होगा, थोड़ी सी मेहनत से ही आप बहुत प्यारा सा प्लांटर बनाएंगे। तो ये मैंने सभी के रैपर निकाल दिए हैं फ्रेंड्स, और रैपर निकालने के बाद इन सभी के ऊपर मैं ऑयल पेंट करूँगी, क्योंकि ऑयल पेंट जो होता है फ्रेंड्स प्लास्टिक पर बहुत अच्छे से हो जाता है, और ये काफ़ी दिनों तक हमारा जो है पेंट चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो मैं इन सभी के ऊपर वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ, और आजकल का जो मौसम है फ्रेंड्स बरसात का, तो इसमें सूखने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें पेंट करके रख देना है। ये देखिए मैंने ढक्कन के ऊपर भी पेंट कर दिया है, और अपनी जो बोतल थी सभी बोतल के ऊपर भी मैंने पेंट करके यहाँ पर रख दिया है सूखने के लिए। तो जब ये सूख जाएगा फ्रेंड्स, कम से कम एक रात तो इसे लगेगी सूखने में, और जब ये सूख जाएगा तो अगले दिन हम इसे करेंगे काम। तो देखिए सभी बोतल मेरी सूख गई हैं, और सूखाने के बाद में अब देखिए मैं इनको लेके आई हूँ किचन में, क्योंकि इनमें मुझे जो है हॉल करने हैं फ्रेंड्स, और उसको मैं गैस पर चाकू गर्म करके हॉल बनाऊँगी। तो सारी बोतल आप ला करके इस तरीके से रख सकते हैं, और ये देखिए मेरा प्लास्टिक की जो ढक्कन है बाल्टी का, तो ये भी जो प्लास्टिक की पेंट की बाल्टी आती है फ्रेंड्स, ये उस बाल्टी का ढक्कन है। तो आपके पास अगर पेंट की कोई बाल्टी हो उसका ढक्कन भी हम इस तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है हॉल बना लिया बिल्कुल किनारे से इस तरीके से। तो ये बोतल की जो जितनी बोतल का ढक्कन की चौड़ाई है उसी के हिसाब से नाप के मैंने ये छेद बनाया है, और इसके अंदर इसको मैं ऐसे डाल करके फिर नीचे की साइड से ढक्कन को टाइट कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से उल्टा करके मुझे इन सभी बोतल को लगाना है। तो इस तरीके से आप ये देखें निशान लगा लीजिए, पहले यहाँ पर इस तरीके से नाप करके बिल्कुल मिला करके मुझे इसे लगाना है। तो पहले मैंने लगा लिया है निशान, और चाकू गर्म करके उसी की सहायता से मैंने लगा लिया है इसमें कट, और इस तरीके से सभी बोतल को मैंने इसके अंदर डाल के नीचे की साइड में ले जा करके ढक्कन बंद कर दिए। तो फ्रेंड्स, जितना भी बड़ी आपकी प्लेट है या जितना भी बड़ा आपका ढक्कन है, तो उसी के हिसाब से आपको ये सभी बोतल लगानी है। तो मैंने तो इसी तरीके से इसको बनाया है, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो ये देखिए मैंने सारी की सारी बोतल इसके ऊपर लगा दी है फ्रेंड्स, और ये लगा ढक्कन में देखिए किस तरीके से फिट हो गई है, बिल्कुल गिरने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये फिट हो गई है। अगर आपको इस तरीके का भी हम प्लांटर बना करके रख सकते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा सा एक स्टैंड भी बना सकते हैं, इसके ऊपर हम प्लांट रख सकते हैं, ये हमारा एक स्टैंड में भी काम आ सकता है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा ये देखिए प्लांटर बन के तैयार हो गया, लेकिन मुझे इसे इस तरीके से नहीं रखना है, मुझे करना है अभी इसके साथ में और भी काम। तो और क्या काम करूँगी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बोतल के अंदर ये होल बना लिया है, और एक मेरे पास पाइप पड़ा हुआ था बहुत दिन से, तो ये पाइप मैंने उठा के रखा हुआ था, कभी ना कभी तो काम आएगा, तो ये आज काम आ गया है मेरे। तो ये इस तरीके का पाइप है फ्रेंड्स, ये मुड़ा हुआ पाइप है, ये देखिए इस तरीके से, तो ये मुड़ा हुआ पाइप आज मेरे बहुत काम आया। तो इसीलिए मैं जो है जो भी सामान मेरे पास होता है उसे उठा के रख लेती हूँ, और समय समय पे वो काम आ जाता है। तो ये देखिए छोटी सी बोतल है एपी की, जो बोतल आती हैं जो बच्चे पीते हैं उसको, तो उसी की ये बोतल थी। तो इसको बोतल को मैंने पीछे से कट कर लिया है, कट करने के बाद पाइप के जो ऊपर आगे का हिस्सा है इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और इसके अंदर मैंने आप कोई कागज़ लगा सकते हैं, या फिर मैंने तो इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया, तो उसको मैंने लगा करके यहाँ पर फ्रेंड्स ग्लू गन से चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद ये देखिए कितना सुंदर सा इसका जो आगे का हिस्सा बिल्कुल मुंह की सेफ आ गई है, और मैंने इसके ऊपर जो प्लास्टिक की हमारी बोतल है, तो हम मैंने कटिंग किया था जो कल प्लांटर बनाया था, तो उसके बीच के जो कटी हुई मेरी प्लास्टिक बची हुई थी, तो उसी से मैंने इसकी चोंच बना दी है ये देखिए, और चोंच को काट के कैंची से इस तरीके से, और इसको मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है।
और इसके ऊपर कर दिया फ्रेंड्स वाइट पेंट। तो अब देखिए पूरा का पूरा प्लांटर मेरा वाइट पेंट से हो गया है और इसकी बना दी मैंने ब्लैक कलर से आईज़। तो ये देखिए कितना सुंदर प्लांटर लग रहा है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर जो प्लांट लगाना है हमें, तो उसमें मिट्टी भर के मुझे प्लांट नहीं लगाना है क्योंकि वाइट कलर का प्लांटर और मिट्टी भरूंगी तो मिट्टी चारों तरफ से निकल भी जाएगी और वो अच्छा सा भी नहीं लगेगा। तो मैंने इसके अंदर एक रेड कलर का प्लांटर था छोटा सा, तो मैं जो हमारे 6 इंच का प्लांटर होता है वो वाला प्लांटर मैंने इसके अंदर रखा है और ये जो है इसके अंदर कुर्चिया का प्लांट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये प्लांटर बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा प्लांटर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अगला DIY अगली वीडियो के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको बनाया, इसको देखने के लिए आप कल की वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तो ये भी एक सुंदर सा प्लांटर बनके तैयार हो गया और ये